गायत्री की रहस्यमयी प्राण विद्या। मित्रों, गायत्री मंत्र के द्वारा जिस प्राण विद्या की साधना की जाती है वह ब्रह्मा विद्या ही है। जब अनुष्ठान और पुरश्चरणों के द्वारा मनोभूमि को शुद्ध किया जाता है, जिस प्रकार किसान अपनी कृषि भूमि को हल चलाकर जोतता है और उसे इसे योग्य बनाता है कि बीज भली प्रकार उगे, वैसे ही आत्म कल्याण का पथिक भी अपनी मनोभूमि को माला रूपी हल के आधार पर कुसंस्कारों से परिमार्जित करके इस योग्य बनाता है कि उसमें उपासना के बीज भली प्रकार उग सकें। प्राण ही वह बीज है जो आगे चलकर साधक के सामने शक्ति एवं सिद्धि के रूप में प्रकट होता है। गायत्री उपासक के लिए जबकि प्रथम कक्षा पूर्ण कर लेने के बाद दूसरी कक्षा प्राण साधना को ही है। गायत्री शब्द का अर्थ ही प्राण का उत्कर्ष करने वाली प्रक्रिया है। गायत्री उपासक जिस प्राण विद्या का साधन करता है वह परब्रह्म सत्ता की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति है, इसे ही ब्रह्मा ऊष्मा भी कहते हैं। उपासना के द्वारा साधक अपनी अंतरात्मा में इस शक्ति जितना मात्रा में अपने अंदर धारण कर लेता है उतना ही वह प्राणवान आत्मबल संपन्न बनता जाता है। मूर्ति में प्राण को प्रत्यक्ष ब्रह्मा मानकर उसका अभिनंदन किया गया है। वायोत्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ऋग, अर्थात हे प्राण वायु आप प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं। प्राण्यन्मो यस्य सर्वमिन्द्वशे, अर्थात उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में सब कुछ है, जो सबका स्वामी है, जिसमें सब समाये हुए हैं। प्राण को ही ऋषि माना गया है, मंत्र दृष्टों ऋषियों का ऋषित्व उनके शरीर पर नहीं वरन प्राण पर अवलंबित है, इसलिए विभिन्न ऋषियों के नाम से उसका ही उल्लेख हुआ है। इंद्रियों के नियंत्रण को कहते हैं ग्रित्स, कामदेव को कहते हैं मद। यह दोनों ही काय प्राण शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए उसे ग्रित्स मद कहते हैं। विश्वन मित्रयस्य असौ विश्वामित्र, अर्थात प्राण का यह समस्त विश्व अवलंबन होने से मित्र है, इसलिए उसे विश्वामित्र कहा गया है। बन्नीय भजनीय सेवनीय और श्रेष्ठ होने के कारण उस ही वाम वे कहा गया। सर्वे पाप मनोर्बायत इति आत्रिय, अर्थात सबको पाप से बचाता है, इसलिए वही अत्रि है। इस बाज रूप शरीर का भरण करने से भरद्वाज भी वही है। विश्व में सबसे श्रेष्ठ विशिष्ट होने से वशिष्ठ भी वही हुआ। इसी प्रकार प्राण के अनेक नाम ऋषि बोधक हैं। प्राण वा ऋष्य, इमो एव गौतम भरद्वाज, अयमे गौतम अय भरद्वाज, इमो एव विश्वामित्र जमदग्न, अयमे विश्वामित्र अयं जमदग्नीय, इमो एव वशिष्ठ कश्यप, अयमे वशिष्ठ अयं कश्यप। वाग्वात्रिय, अर्थात सत प्राण ही सात ऋषि हैं, दो कान गौतम और भरद्वाज हैं, दो आंखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं, दो नासिका छिद्र वशिष्ठ और कश्यप हैं, वाक अत्रि है। अर्वग विलश्चमस ऊर्ध्व बुधन स्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपं तस्या सत ऋषयः सप्त तारे वागष्टमी ब्राह्मणा संविदाना वृहदारण्यक दो दो तीन, अर्थात ऊपर पैर और नीचे मुंह वाला चम्मच यह शिर ही है, इसमें प्राण रूप में विश्व यज्ञ रखा हुआ है, इसके किनारों पर सातों ऋषि निवास करते हैं और आठवीं संयनस वाक ब्रह्मा के साथ निवास करती है। गायत्री के द्वारा जिस प्राण शक्ति की उपासना की जाती है वह ही देव तत्व का केंद्र है, इसे उपलब्ध करके मनुष्य देवत्व का देव सत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन अपने भीतर करता है। शिर में सहस्र दल कमल के स्थान पर जो सहस्र देवताओं का कोष है वह प्राण मन और अन्न के द्वारा ही आवृत हो जा रहा है। अभक्ष्य अन्न का त्याग कर मन का संयम करते हुए जो प्राण साधना की जाती है उससे वे सहस्र दल वाले देवतत्व जागृत होते और साधक पर शांति का वरदान बरसाते हैं। तद्वा अथर्वण शिरो देवकोश समुपजित, अथर्व दस दो सत्ताईस, अर्थात यह शिर ही बंद किया हुआ देवताओं का कोष है, प्राण मन और अन्न इसकी रचना करते हैं।
प्रज्ञाप्तिश्चर्ति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे। तुम्हें प्राण प्रजास्त्वी मां वरली हरंती यह प्राणयः प्रतिनिष्ठिता। प्रश्नोपनिषद 2:7 अर्थात हे प्राण, आप ही प्रजाप्ति हैं, आप ही गर्भ में विचरण करते हैं, आप ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेते हैं, यह सब प्राणी आपको ही आत्म समर्पण करते हैं, वह प्राणों के साथ ही प्रतिष्ठित हो रहा है। मनुष्य की काया में जो कुछ है वह प्राण का ही खेल है। प्राण निकल जाने पर वह देह तुरंत सड़कर गलने लगती है, तब उसे प्रियजन भी अपने पास नहीं रहने देते, जल्दी से जल्दी अंत्येष्टि करने का प्रयत्न करते हैं। प्राण के बिना यह कंचर सी भूत सी डरावनी दिखती है। इस प्राण को शरीर का राजा और सर्वस्व माना गया है। इस विश्व में जो कुछ जीवन दृष्टि गोचर हो रहा है सब प्राण को ही विभूति है। शास्त्र ने कहा है, काया नगर मध्ये तु मारुतः क्षितिपालक। काया नगरी में प्राण वायु ही राजा है। प्राण देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवच में 33:2-3 अर्थात देवता, मनुष्य, पशु और समस्त प्राणी प्राण से ही अनुप्राणित है। प्राण ही जीवन है, इसी से उसे आयु कहते हैं। यह ज्ञान कर जो प्राण स्वरूप ब्रह्मा की उपासना करता है वह निश्चय ही संपूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है। सर्वाणि हवा इमानी भूतानि प्राणमेवा 6:11-11:5 अर्थात यह सब प्राणी प्राण में से ही उत्पन्न होते हैं और प्राण में ही लीन हो जाते हैं। प्राणाद्वये खस्विम्नि भूतानि जायन्ते 33 अर्थात प्राण से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जन्मने के बाद प्राण से ही जीवित रहते हैं। यावद्धयास्मिन् शरीरे प्राणोऽवसति तापवदायुः कौशिता की उपनिषद अर्थात जब तब इस शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है। प्राणो वे सुष्मोसु प्रतिष्ठानः शतपथ 4:1-14 अर्थात प्राण ही इस शरीर रूपी नौका की सुप्रतिष्ठा है। तेन संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतीत्वेव सर्वदा गोरक्ष अर्थात प्राण की ही शक्ति से जीवधारी इस संसार में गतिवान रहते हैं। प्राण से ही योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं। प्राण के कारण ही इंद्रियां सशक्त और निरोग रहती हैं। प्राण के अभ्यास से ही नाड़ियां शुद्धि होती है और तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसलिए जीव कामना करता है कि हे प्राण, आप हमसे सदा अविच्छिन्न रहें। संक्रामता मा जहितन शरीर अर्थात हे प्राण, हे अपान, इस देह को तुम मत छोड़ना, मिलजुल कर इसी में रहना, तभी यह देह शतायु होगा। इस प्राण शक्ति का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। योग साधना से इस विज्ञान को प्रत्यक्ष किया जाता है। गायत्री की साधना से इस प्राण को ही जगाया जाता है। जिसने अपने सोते हुए प्राण को जगा लिया उसके लिए चारों ओर जागृति ही जागृति है। सब दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश है। सोता वही है जिसका प्राण सोता है। जिसकी प्राण शक्ति जग गई इस संसार में उसे ही जागृत माना जाता है। उसी के सामने इस विश्व का वह रहस्य प्रकट होता है जो सर्व साधारण के लिए छिपा हुआ ही है। तदाहुः को स्वप्नुमर्हति यद्वा तांडय 10 अप्रैल 2004 अर्थात कौन सोता है, कौन जागता है? जिसका प्राण जागता है वस्तुतः वही जागता है। यह एवं विद्वान प्रण वेद रहस्य प्रजा प्रश्नोपनिषद 3:11 अर्थात जो विद्वान इस प्रण के रहस्य को जानता है उसकी संतति कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस रहस्यमय प्राण विद्या को जानना प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी का कर्तव्य है, क्योंकि इसी से उसकी परंपरा अविच्छिन्न रहती है, संतति नष्ट नहीं होती और इसी विद्या के कारण वह अमर पद को प्राप्त करता है।